तो हेलो एंड वेलकम टू केडी फोटोग्राफी स्टूडियो। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक से वेडिंग फोटोग्राफर्स को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी मेरे वेडिंग फोटोग्राफर्स भाई है वो इस वीडियो को खास देखे और वीडियो को पूरा देखे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूं और आज का टॉपिक मैं वेडिंग फोटोग्राफर के लिए ही बना रहा हूं। हम वेडिंग फोटोग्राफर्स को कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें बहुत कम टाइम में ज़्यादा फोटो क्लिक्स करनी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें वेडिंग में कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करनी होती है और टाइम बहुत कम होता है। हम जब ग्रूम या फिर ब्राइड के पोर्ट्रेट क्लिक करने जाते हैं तो हमें कोई ना कोई एक बंदा ऐसा कहता ही है कि जल्दी करो भाई, टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। तो इस सिचुएशन में हम जो मैं आज बताने वाला हूँ इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार मैं आपको बताता हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैक बटन फोकसिंग सिस्टम के बारे में। आपने नाम शायद सुना होगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बैक बटन फोकस से हम कितनी स्पीड में काम कर सकते हैं। तो बैक बटन फोकस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक बंदा दो काम कर रहा है और दो बंदे उसी दो काम को दो बंदे कर रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी से काम कौन सा होगा? जो दो बंदे काम कर रहे हैं वो जल्दी काम करेंगे। उसी टाइप से हमारे कैमरे में जो शटर रिलीज बटन होता है वो बटन दो काम करता है। आपको पता होगा हम जब हाफ प्रेस करते हैं तो हमारा फोकस और एक्सपोजर लॉक होता है, उसके बाद हम पूरा क्लिक करेंगे तो एक फोटोग्राफ मिल जाएगी हमें। अगर हम फोकसिंग और एक्सपोजर का काम किसी और बटन को दे देते हैं तो कैसा रहेगा? शायद आपको नहीं मालूम लेकिन मैं बताता हूँ आज आपको। तो ये हमारे कैमरे के पीछे जो तीन चार बटन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो तीन चार बटन हैं उन बटन में से किसी एक को हम फोकसिंग का काम दे देते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? सपोज मान लो कि हमारे सामने एक पोर्ट्रेट, हम पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं, यही समझो कि हम पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट हमारे सामने खड़ा है और एक ही जगह पर खड़ा है, वहाँ से हमें तीन या चार फोटो क्लिक करनी है तो हम क्या करेंगे, आधा प्रेस करेंगे, फोकस करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आधा प्रेस करेंगे, फोकस करेंगे और क्लिक करेंगे, उसमें क्या है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इस बैक बटन फोकस से हम अगर बैक बटन को एक बार प्रेस कर लेते हैं तो हमारा फोकस लॉक हो जाता है, उसके बाद हम क्लिक करते जाए हमारा फोकस छोड़ेगा नहीं, समझ गए आप। तो अगर दो चार फोटोज क्लिक करने के बाद अगर हमें भी पीछे हटना है या फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे पीछे करना है तो फिर से हम वो फोकस कर लेते हैं और तीन चार फोटो ऐसे ही ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा वेडिंग फोटोग्राफर्स भाइयों के लिए। अब दूसरी बात, हमारा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है या फिर कोई स्पॉट फोटोग्राफर है उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब फास्ट मूविंग चीज़ को तीन चार फोटो क्लिक करने हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने फोकस किया, एक क्लिक किया और दूसरी बार अगर हम फोकस करने जाएंगे तो हमारा फोकस हंट होगा, 100% होगा। उसी तरह अगर कोई बर्ड फ्लाइंग कर रही है हमें उसका तीन चार फोटो चाहिए
तो वो फ्लाइंग करते करते जब यहाँ पहुँचेगी तो हम एक क्लिक तो कर लेंगे, अगर आगे चली गई तो हमारा फोकसिंग में तकलीफ होगी। यहाँ पर हमें ऑल सर्वो फोकस को ऑन कर देना है और बैक बटन फोकस को भी ऑन कर देना है, और उसके बाद इस बर्ड को यहाँ से आप फोकस कर लीजिए बैक बटन फोकस से। अब जहाँ भी वो बर्ड जा रही है उसके साथ कैमरा आप मूव कीजिए, क्लिक करते जाइए। आसान है, बहुत आसान है। ठीक उसी तरह अगर वो कहीं बैठ जाता है बर्ड, तो आप फोकस को छोड़ दीजिए और फिर से फोकस कर लीजिए, वहाँ पे दो तीन फोटो क्लिक कर लीजिए। तो ये बैक बटन फोकस बहुत ही अच्छा काम करेगा, आप इसके पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत ही झड़पी काम होगा आपका। तो ये लो फ्रेंड्स, मेरे पास है कैमरा कैनन D750 का, तो इसके अंदर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि कैसे हम ऑटो फोकस, बैक बटन ऑटो फोकस को इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेनू बटन पर, मेनू को प्रेस करेंगे, यहाँ से ये दूसरे नंबर वाला लास्ट में से दूसरे नंबर का कस्टम फंक्शन CFN, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर से सेट पर ओके करके नीचे वाला जो ये फंक्शन है, अगर इसे हम इनेबल कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो फोकस सिस्टम है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये बटन आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बटन आप देख रहे हैं ये वाला, इस बटन से अब हमारा फोकस लॉक होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, मैं आगे बटन प्रेस करूँगा वहाँ कोई फोकसिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही फोकस करूँगा, ये देखिए फोकस लॉक हो गया, बस हमें क्लिक करना है, ये फोकस लॉक हो गया, ये देखिए ये फोकस लॉक और ये क्लिकिंग। अब हम जितनी बार हो सके उसको क्लिक कर सकते हैं, फोकस लॉक ही होगा। तो ये था इस कैनन का सिस्टम। आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जो रिकम्पोज करते हैं उसे अवॉइड कीजिए। सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करते हैं, उसके बाद आप रिकम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस आउट मिलेगा। तो ऐसा मत कीजिए, आपको अगर सब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ चाहिए तो आप फोकस पॉइंट को चेंज कीजिए, और जहाँ आपका सब्जेक्ट है आप फ्रेम बनाकर सब्जेक्ट जहाँ है वहाँ पर आप फोकस पॉइंट को रखें और क्लिक कीजिए, तो आपकी फोटोग्राफ्स एकदम शार्प आएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।